हे गाइस, मेरा नाम संतोष चौहान है और आप देख रहे हैं मास्टर टेक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसक्यूएल कॉन्स्ट्रेंट्स, मतलब एसक्यूएल के कुछ रूल्स, अपडेट डिलीट, किस तरीके से डेटा को हम अपडेट करते हैं, डिलीट कैसे करेंगे, ऑल्टर एंड ड्रॉपिंग टेबल, यानी कि टेबल को भी हम डिलीट कर सकते हैं और टेबल के स्ट्रक्चर में अगर हमें चेंजेस करना है तो वो हम ऑल्टर के थ्रू कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे एसक्यूएल कॉन्स्टेंट्स की। एसक्यूएल कॉन्स्टेंट्स मींस कुछ रूल्स एसक्यूएल के, यानी कि अभी तक जो आपने, अगर मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था कि किस तरीके से हम एसक्यूएल में डेटा को इंसर्ट करा सकते हैं और टेबल किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो जब हमने टेबल क्रिएट करी थी तो उसमें हमारा जो डुप्लीकेट डेटा था वो उसके अंदर हमारा फिल हो रहा था, तो उसी के बेस पर आए हैं आपके कॉन्स्टेंट्स। तो चलिए देखते हैं कुछ कॉन्स्टेंट्स के बारे में। तो सबसे पहला हमारा कॉन्स्टेंट है नॉट नल। नॉट नल मींस आप किसी भी कॉलम को आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, नॉट नल। सेकेंड डिफॉल्ट, डिफॉल्ट मीन्स सेट अ डिफॉल्ट वैल्यू फॉर ए कॉलम इफ नो वैल्यू स्पेसिफाइड। अगर आप पहले से किसी कॉलम की वैल्यू को फिक्स करना चाहते हैं तो आप वो डिफॉल्ट के थ्रू कर सकते हैं। थर्ड यूनिक, नाम से ही समझ में आ रहा है कि आपका जो कॉलम है वो आपका यूनिक होना चाहिए। फोर्थ चेक, चेक से क्या होता है गाइस, चेक कॉलम स्पेसिफाई अ स्पेसिफिक कंडीशन। अगर आपको कोई कंडीशन लगानी है तो आप चेक का यूज कर सकते हैं। देन प्राइमरी की, जैसा कि हमने बताया था कि प्राइमरी की आपकी नॉट नल आप खाली नहीं छोड़ सकते, यूनिक होनी चाहिए और एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होती है। देन लास्ट आपका फॉरेन की, जब भी हम दो टेबल की या दो से ज़्यादा टेबल की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारा फॉरेन की का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। तो चलिए समझते हैं एक एग्जांपल से कि हम जो एसक्यूएल के कॉन्स्टेंट्स हैं इनको यूज़ कैसे करते हैं। चलिए सो गाइस, चलिए समझते हैं हम इनको कहाँ यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। तो देखिए, आपका क्रिएट टेबल स्टूडेंट, आपकी एक स्टूडेंट की टेबल है और वहाँ पर हमने जो SID है, यानी कि स्टूडेंट की ID है, वो इंटीजर टाइप की ली है और हमने लिखा है नॉट नल, यानी कि अब आप टेबल में जो SID का कॉलम है उसको आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। सेकंड आपका चेक है, यानी कि सेकंड कॉलम आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है और रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपका इंटीजर है और हमने लगा दिया है चेक रजिस्ट्रेशन नंबर ग्रेटर देन 0, यानी कि अब कोई भी स्टूडेंट या कोई भी पर्सन आपके रजिस्ट्रेशन नंबर को 0 से कम नहीं डाल सकता। अगर हम चेक नहीं लगाते तो वो -1 भी दे सकता है, -2 भी दे सकता है, लेकिन अगर हमने उसमें कंडीशन लगा दी है, चेक लगा दिया है, तो आप अब अपने जो रजिस्ट्रेशन नंबर का जो एट्रीब्यूट है या कॉलम है उसकी वैल्यू को हमेशा ग्रेटर देन 0 ही रखेंगे। थर्ड हमारा डिफॉल्ट, अब हमने क्या क्या किया दोस्तों कि जो हमारा स्कोर आया है किसी भी स्टूडेंट का, हमने पहले से एक वैल्यू फिक्स कर दी है और वो हमने फिक्स कर दी है 80। तो आप जब टेबल क्रिएट करते हैं, ध्यान से सुनना दोस्तों, आप जब टेबल क्रिएट करते हैं तो क्रिएट टेबल करते समय आपको ये कॉन्स्टेंट्स यूज करने होते हैं ताकि आपकी टेबल में जो डेटा इंसर्ट करें, जो टेबल को क्रिएट करें, तो उसमें डेटा सारा यूनिकली होना चाहिए, उसमें हमेशा डेटा प्राइमरी की भी होनी चाहिए, एक फॉरेन की भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर नीचे हमने बता दिया है कि जो हमारी प्राइमरी की है वो तो SID है, स्टूडेंट की ID है, और एक आपकी फॉरेन की है। फॉरेन की का कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स जब आता है जब हम दो टेबल्स का यूज़ करते हैं,
तो इसमें जो सेकंड टेबल है वो आपकी कस्टमर की हो सकती है। देखो एग्जांपल ले सकते हैं हम, टेबल कोई भी हो सकती है, कस्टमर हो सकती है, ऑर्डर हो सकता है, स्टूडेंट हो सकता है, स्टूडेंट की लाइब्रेरी हो सकती है, डिपार्टमेंट हो सकता है, कोई भी टेबल हो सकती है। तो यहाँ पर जब भी हम फॉरेन की का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो आपके पास एक से ज़्यादा टेबल होना जरूरी है। चलिए तो हम बात करते हैं मॉडिफाई डेटा इन टेबल। टेबल में किसी भी डेटा को कैसे मॉडिफाई करेंगे, तो टेबल के अंदर जो डेटा है उसे मॉडिफाई करने के लिए जिस कमांड की ज़रूरत होती है वो हमारी होती है अपडेट कमांड। चलिए देखते हैं, तो हमारे पास क्वेरी है, सिंटैक्स है अपडेट टेबल नेम। स्टूडेंट सबसे पहले आपको अपडेट के साथ देना है टेबल का नाम, उसके बाद आपका सेट, सेट आपका आना है, फिक्स है। फिर सेट में जो भी आपको सेट करना है या जो भी आपको अपडेट करना है वो कॉलम और उसकी वैल्यू, और साथ में आप वेयर के साथ कोई भी कंडीशन दे सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। तो नीचे एक एग्जांपल है अपडेट स्टूडेंट। सो स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारी टेबल है वो स्टूडेंट की है, और क्या अपडेट करना चाहते हैं, हमने कहा सेट नेम इक्वल्स टू अमित, यानी कि जो स्टूडेंट की टेबल है उसमें हम नाम करना चाहते हैं अमित कुमार, किसका, जिसकी एसआईडी आपकी 1 है। मान के चलते हैं कि अभी तक आपकी जो एसआईडी पे जो नेम था वो राहुल था, लेकिन अब हम अपडेट कमांड के थ्रू हम स्टूडेंट टेबल के अंदर एक रिकॉर्ड चेंज कर रहे हैं कि जिसकी एसआईडी 1 है उसका नाम राहुल से चेंज होकर हो जाए अमित। तो आप टेबल के अंदर जो चेंजेस करेंगे वो आप अपडेट कमांड के थ्रू करेंगे। होपफुली आपको सब समझ में आया होगा। सो गाइस, टेबल में अपडेशन करने के बाद अगर हमें टेबल से कोई डेटा डिलीट करना होता है तो उसके लिए हमारी कमांड होती है आपकी डिलीट। अगर टेबल में इंसर्ट करना होता है तो इंसर्ट इनटू, अगर क्वेरी एक्सेस करनी होती है तो सेलेक्ट, टेबल में चेंजेस करना होता है तो अपडेट, और टेबल में से कुछ डिलीट करना होता है डेटा तो उसके लिए आपके पास कमांड है डिलीट कमांड। चलिए देखते हैं सिंटैक्स। तो सिंटैक्स आपका कुछ इस प्रकार है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, सबसे पहले डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम आएगा, वेयर कंडीशन। चलिए देखते हैं, तो हमने कहा है डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल से वेयर नेम इक्वल्स टू राहुल। स्टूडेंट्स जिसका नेम राहुल है वो डेटा हम डिलीट करना चाहते हैं, तो आप डिलीट कमांड के थ्रू आप डेटा को डिलीट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। डिलीट के बाद हम बात करते हैं ऑल्टर टेबल, यानी कि अब अगर आपको टेबल के स्ट्रक्चर में चेंजेस करना है, टेबल के डेटा में नहीं, टेबल के अगर डेटा में चेंजेस करने हैं तो वो आप अपडेट कमांड के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन टेबल के अगर स्ट्रक्चर में चेंजेस करना है तो आप उसे ऑल्टर कमांड के थ्रू करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा एड अ कॉलम, आपने जो टेबल बनाई है उसमें हो सकता है आप एक दो कॉलम लेना भूल गए हों, आपने कॉलम आपको लेने थे 6, आपने कॉलम लिए 5। अब आप क्या करेंगे, अब आपको एक टेबल के अंदर कॉलम ऐड करना होगा, तो ऐड जो करेंगे वो हम करेंगे ऐड कमांड के थ्रू। कैसे देखते हैं, ऑल्टर टेबल, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम स्टूडेंट, ऐड फादर नेम करेक्टर 10। मैं ये मान के चलता हूँ कि अभी जो मैंने टेबल बनाई थी उसमें गलती से मैंने एक कॉलम नहीं लिया फादर नेम का, तो स्टूडेंट्स मैं दोबारा तो टेबल क्रिएट करूँगा नहीं, तो मैं ऐड कमांड के थ्रू, लेकिन ऐड कमांड किसके साथ चलेगी, ऑल्टर के साथ, तो मैं इसके थ्रू एक कॉलम ऐड कर सकता हूँ। सेकेंड और कैसे यूज कर सकते हैं, अब मान के चलिए कि मैंने एक जो फील्ड लिया है उसकी मैंने जो लिमिट ली थी, जो करेक्टर्स की साइज लिया था वो गलती से कम ले लिया था, अब मुझे साइज को इंक्रीज करना है, तो उसके लिए मैं ऑल्टर के साथ जो कमांड चलाऊंगा वो होती है मॉडिफाई, यानी कि कैसे,
ऑल्टर टेबल स्टूडेंट स्टूडेंट टेबल को चेंजेस करना चाहते हैं, मॉडिफाई फादर नेम करेक्टर 40। आप ऊपर वाली जो क्वेरी है उसमें आप देख सकते हैं कि फादर नेम जो है उसका मैंने साइज लिया था 10, लेकिन किसी के फादर नेम काफ़ी बड़ा है तो मेरा साइज उसमें पूरा एडजस्ट नहीं हो पा रहा। तो मैंने अब क्या किया, मॉडिफाई कीवर्ड के द्वारा मैंने उसके साइज को चेंज कर दिया। थर्ड, चेंज द कॉलम नेम। आपको आपने जो टेबल में कॉलम लिया है, हो सकता है थोड़ा लेंथी ले लिया हो सकता है कुछ ऐसा नाम ले लिया हो, एट्रीब्यूट, जिसको कॉलम को हम एट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं, कि वो आपको थोड़ा नहीं पसंद आ रहा हो, तो आप क्या कर सकते हैं उसे ऑल्टर टेबल चेंज के द्वारा, आप फादर नेम, ये आपका ओल्ड कॉलम है और ये आपका न्यू कॉलम है एफ नेम, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, एन मतलब न्यू और ओ मतलब आपका ओल्ड। तो आप किसी भी कॉलम को चेंज कर सकते हैं ओल्ड से न्यू में, और आपने दे दिया वेयर केयर 60। तो गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ऑल्टर कमांड को हम जब चलाते हैं, जब आपको डेटा में नहीं टेबल के स्ट्रक्चर में चेंजेस करना होता है, होपफुली ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सो गाइस, हमने अपडेट देखा, डिलीट देखा, ऑल्टर भी देखा, और उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं ड्रॉपिंग टेबल। ये आपकी जो टेबल आपने क्रिएट की है उस टेबल को डिलीट करने के लिए, टेबल का अगर डेटा डिलीट करना है तो आप डिलीट कमांड चलाएंगे, लेकिन आपको टेबल ही डिलीट करनी है तो आप ड्रॉप कमांड चलाएंगे। कैसे, सिंटैक्स देखते हैं, ड्रॉप टेबल देन टेबल का नेम, तो आपने नीचे दिया ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, तो इससे आपकी जो टेबल है वो बिल्कुल एम्प्टी हो जाएगी, खाली हो जाएगी, और आपकी टेबल बिल्कुल भी पूरी तरीके से डिलीट हो जाएगी। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।